वेलकम बैक टू नीट नाउ। कभी आपने सोचा है कि आपकी क्लास का जो टॉपर है या फिर जो मीम्स में और आपके जोक्स में आता है शर्मा जी का बेटा, वो इतना सक्सेसफुल क्यों है और आप क्यों नहीं हैं? अगर आप शर्मा जी के बेटे हैं या बेटी हैं तो वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आप शर्मा जी के बेटे या बेटी नहीं हैं तो आप उस लीग तक क्यों नहीं पहुंच पाते, आप क्यों नहीं आते वो गिनती की टॉपर में कि यादव जी का बेटा, सिंह जी का बेटा या फिर श्रीवास्तव जी की बेटी या ऐसे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्या वो जो टॉपर है वो कुछ घोल के पी रहा है, चमत्कारिक बाबा का कोई चमत्कारिक चूर्ण या फिर च्यवनप्राश खा रहा है? नहीं, वो आपसे क्या डिफरेंट कर रहा है और आप उससे क्या डिफरेंट कर रहे हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम शर्मा जी के बेटे की। शर्मा जी का बेटा है पढ़ाकू दिखने में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गेम्स में भी उतना अच्छा है, वो सोशल लाइफ में भी उतना अच्छा है और पढ़ाई में भी एक्सीलेंट है। और अगर हम आप पे आए, ना आपकी सोशल लाइफ में इंटरेस्ट है आपको, ना आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और गेम्स तो पता नहीं कब खेले थे। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंडिविजुअल हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, कोई इंडिविजुअल हमसे बहुत पीछे रह जाता है और हम लोग जो असर्टेन होते हैं हमारा कुछ अता पता ही नहीं होता? कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं? मम्मी पापा कहते हैं सुबह जल्दी उठो, अरे पर मैं तो रात को ज़्यादा देर से कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। मम्मी पापा कहते हैं इस टाइम पर ये करो, क्यों कहते हैं? वो हैबिट्स बने आपकी। ताकि हैबिट्स की अगर हम बात करें, हैबिट्स एक इंसान को बनाती हैं, एक इंसान को बिगाड़ती हैं। मैं अपनी ही बात करूं, अगर जब हम लोग 12th में थे तब मेरी क्लास में एक लड़का था। हम लोगों के PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा PCMB भी लिया जा सकता था। अब वो PCB में बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया, लेकिन वो PCM में भी उतना ही बढ़िया था। आलम ये था कि वो IIT में भी सिलेक्ट हो सकता था और मेडिकल एग्ज़ाम में भी। हम भी वही कोचिंग अटेंड कर रहे थे, हम भी सेम स्कूल से थे, हम भी वही खाना खा रहे थे, हम भी उसी सिटी में रह रहे थे, ग्रुप भी ऑलमोस्ट क्लास का सेम था, तो डिफरेंट क्या था? डिफरेंस की आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा शर्मा जी का बेटा है उसके कैरेक्टर को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि वो है कैसा। सबसे पहले अगर हम बात करें शर्मा जी के बेटे के फ्रेंड्स के बारे में और आपके फ्रेंड्स के बारे में, सलमान खान की नई मूवी आई है, अक्षय कुमार की नई मूवी आई है, करीना कपूर का नया गाना आया है, लाइब्रेरी में ये बुक अच्छी है, इस बुक में ये टॉपिक ज़्यादा बेटर दिया है, YouTube पे इस कॉन्सेप्ट को बेटर पढ़ाया गया है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? एक तरफ शर्मा जी के बेटे का ग्रुप ऐसा है जो पढ़ाई की बातें करता है, जो ऐसी बातें करता है जिससे उनकी लाइफ में कुछ एडिशन हो, इन्जॉय भी करते हैं वो लोग भी मस्ती करते हैं, लेकिन उनका जो टाइम है आपस में जितनी देर रहते हैं उसमें वो ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं कि कैसे आगे बढ़ें। यानी कि जो शर्मा जी के बेटे के फ्रेंड्स हैं वो भी उसी की तरह हैं, उसी की तरह सोचते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि जिन पंछियों के पर एक जैसे होते हैं वो इकट्ठा उड़ते हैं। अब अगर हम दूसरे वाले पे आए, जो मूवीज़ की बात कर रहा था, उनके यहाँ क्या होता है? अरे कल पढ़ लेंगे, आज मूवी देख लेते हैं, आज एक गाना सुन लेते हैं, कल से तो पढ़ाई करनी ही है, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह को पढ़ लेंगे, असाइनमेंट बाद में कर लेंगे। वहीं जो हमारा टॉपर है वो हमसे इन बातों में आगे निकलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो सोशल लाइफ है, जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपनी लाइफ को आगे ले जाने में जुटा हुआ है, और हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमको बाइक पे घुमाएंगे, एक्टिवा पे घुमाएंगे, मूवी ले जाएंगे, नए मॉल में जाएंगे, ये करना है, वो करना है, नया फैशन आया है, ऐसा आया है, वैसा आया है, अरे ये बैग खरीद लेते हैं, अरे ये कर लेते हैं, अरे एक ट्रिप लगा लेते हैं, चलो माता के मंदिर ही हो आते हैं, हमारी पढ़ाई में बेहतरी होगी। नहीं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करेंगे। तो आप किस संगत में हैं,
आपने एक बहुत पहले टीवी पे ऐड आता था, संगत का असर, यानी कि आप जिस संगत में रहते हैं उसका असर आप पे डेफिनेटली पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपर है उसके फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो उसकी तरह सोचते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब दूसरे हैं हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव्स। टॉपर के मामा जी की शादी है, आपकी बुआ की शादी है, या किसी के बच्चे की शादी है, या किसी की शादी है, आप ढूंढेंगे मार्केट्स, आप घूमेंगे अपने लिए ड्रेसेस लेने के लिए, मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, मैचिंग शूज़ चाहिए, मेकअप चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, पर्स चाहिए, वॉलेट चाहिए, अरे ठंड है तो जैकेट भी स्टाइलिश चाहिए। टॉपर क्या करेगा, ये सब छोड़ेगा वो अपने पेरेंट्स पे, या फिर जो उसके पास ऑलरेडी होगा वो पहनेगा, शादी में जाएगा, खाना खाएगा, आ जाएगा, और आप क्या करेंगे, सेल्फीज़ लेंगे। खाना तो खाना नहीं भी हो पाया चलेगा, सेल्फीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट हैं, डांस इम्पॉर्टेंट है, पूरी शादी देखना इम्पॉर्टेंट है, आफ्टरऑल शादी थोड़ी बार बार आएगी, एग्ज़ाम तो आता रहेगा। ये डिफरेंस आता है। टॉपर को पता है कि जो रिलेटिव्स आज आपको शादी में बुला रहे हैं, आज जो आपको मुंडन के फंक्शन में बुला रहे हैं, बर्थडे में बुला रहे हैं, कल को अगर आपका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, वही रिलेटिव्स, वही फैमिली आप पे क्वेश्चन करेगी कि आपने पूरे साल किया क्या, आपने क्या किया कि जो आपने ब्रेक लिया या फिर आपने कंटिन्यू स्टडी के साथ भी किया, अरे वो तो ऐसे ही है, और कहाँ वो शर्मा जी का बेटा। ये जो कंपैरिजन है नीचे से ऊपर जाने का, वही हैबिट्स हैं जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको बनाएंगी या बिगाड़ेंगी। रिलेटिव्स आपकी नहीं सोचेंगे, जिसकी शादी हुई है वो अपनी शादी में बिज़ी है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी है, शायद उसके पास दो दिन बाद आपके लिए टाइम भी ना हो, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया कि आपकी जो पढ़ाई थी उसने बैक सीट ले ली, यानी कि जो आपका फोकस होना चाहिए था वो चेंज हो गया। यही फोकस है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसको हम कहेंगे प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता। शर्मा जी का बेटा देता है प्राथमिकता पढ़ने को, अपनी रुचि उसमें बढ़ाए रखने को, हम प्राथमिकता देते हैं आराम को। ठंड है, सोना तो ज़रूरी है, अरे ठंड लग गई तो अब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इसमें कैसे पढ़ाई कर लेंगे हम, चलो कॉफ़ी पी आते हैं, चलो चाय पी आते हैं, चलो ये कराते हैं। शर्मा जी का बेटा रजाई में बैठा है, कॉफ़ी लेके बैठा है, पढ़ रहा है। डिफरेंस क्या आया एटीट्यूड में, उसे पता है कि इस टाइम पढ़ाई ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को उसके साथ यूटिलाइज़ करेगा जिससे उसकी पढ़ाई आगे बढ़े। आप क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाई को अपनी बैकवर्ड करके उसको आगे ढकेल रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये हो गया, प्रायोरिटी क्या है, ठीक है आप सुबह में नहीं उठ पाते हैं, आप रात को जग के पढ़िए। कोई सुबह में कंफर्टेबल होता है, कोई रात में कंफर्टेबल होता है, इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट। अगर आपको लगता है कि नाइट में आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो, प्रायोरिटी तो सेट करिए। हम लोग जब रूटीन बनाते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो उसमें एक 15 मिनट का ब्रेक होता है, हमारा दिमाग वो ब्रेक पे ज़्यादा होता है, बाकी का काम जो है वो तो चलता रहेगा। इस चीज़ को, जो 15 मिनट का ब्रेक है उसको हटा के बाकी पे फोकस लाएंगे ना, तो ये 15 मिनट का जो ब्रेक है ये आपको रिलैक्स करेगा। अदरवाइज़ आप उस 15 मिनट के ब्रेक में इतने ज़्यादा चीज़ें सोच लेंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कि वो आपको और थका देता है। प्रायोरिटी सेट करिए। आपने जब कभी तांगा देखा है चलता हुआ, जो घोड़ा या घोड़ी होती है उसकी आंखों के साइड में वो कुछ लगा के रखते हैं, कपड़े जैसा बड़ा डेकोरेटिव सा, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें अपनी घोड़ी को सुंदर दिखाना होता है, वो तो अलग रीज़न है, उसका मेन रीज़न होता है कि घोड़ी का जो ध्यान है वो भटके नहीं, उसको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन उसका सामने होना चाहिए। जैसे कि वही बात है कि जब द्रोणाचार्य ने कहा था कि पक्षी की आंख में मारना है, सबको ये दिख रहा था, वो दिख रहा था, फल दिख रहा था, पत्ती दिख रही थी, सिर्फ अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा था, यानी कि पंछी की आँख, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनको
बाण चलाने दिया था। यही चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग करेंगे अगर आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है लेकिन ज़रूरी, हेल्थ। जितना प्रेशर मैंने इनको कैपिटल में लिखने में ज़्यादा डाला है, उससे ज़्यादा प्रेशर आपको रखना है अपनी हेल्थ की ओर। पानी पीना है, वॉक करनी है, बिना भूले टाइम से खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं और अपनी आप को डिजीज़ से बचाना है। हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधे बच्चे प्रेशर में आके नीट एग्ज़ाम के पहले या फिर कोई भी एग्ज़ाम के पहले परेशान होने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जो एक पूरे साल की मेहनत होती है वो हो जाती है ख़त्म। सो इसको कैसे मेंटेन करें, प्रॉपर स्टेप्स लें। कभी सुना है आपने, कभी स्कूल बंक किया होगा कि फ़ीवर हो गया या कुछ हो गया। शर्मा जी के बेटे की अटेंडेंस भी पूरी होती है, उसको तो कभी हेल्थ इश्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो अपना ध्यान रखता है। सर्दी है तो वो हीरो बनने के लिए सिर्फ टी शर्ट में एक्टिव वहाँ पे नहीं चला जाता है, वो स्वेटर्स पहनता है, ग्लव्स पहनता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो हमारी अपनी है, इसका ध्यान रखिए, इसको सहेज के रखिए। पूरी लाइफ आपको इसी के साथ चलना है, ये सिर्फ एग्ज़ाम भर के लिए नहीं, ये पूरी लाइफ के लिए आपके लिए लेसन होना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ का, आप अपनी बॉडी का उतना ही ध्यान रखेंगे जितना आप सिर्फ सजने संवरने को देते हैं। इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट दैट यू बी हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है, अब ये है जिससे हम सबको लगाव है, और वो है सोशल मीडिया। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, टिकटॉक, वी वीडियोस, वीगो वीडियोस, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, और कैसे आप लोग टाइम वेस्ट कर लेते हैं इन पे। इतना सारा आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, यूट्यूब पे आपके लिए इतने अच्छे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, लेकिन इसको छोड़ के हमको हनी सिंह को और बादशाह को देखना है ना। हमको इन्जॉय करने हैं वो फॉरवर्डेड मीम्स या फिर GIFs जो हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं, और महान होते हैं वो लोग जो ये लिख के भेजते हैं कि 10 लोगों को भेजो तुम्हारा भला होगा। किसी का नहीं होगा, सामने वाला सिर्फ इरीटेट होगा और शायद आपको ब्लॉक भी कर दे। अरे उस लड़की का नंबर मिल गया, अरे इस लड़के का नंबर चाहिए, ये सब बातें भूल जाइए। कॉन्सेंट्रेट करिए अपने नीड पे। सोशल मीडिया इज़ अ बून एंड अ कर्स, वरदान है अभिशाप है। वरदान अगर आप इसको ठीक से इस्तेमाल करें, अभिशाप अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, प्रिंसिपल है ये मेरी लाइफ का, अति बुरी है। अति यानी हर चीज़ की एक्सेस, जो भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो वो ख़राब है। सोशल मीडिया इसलिए बनाया गया है कि आप अपने आप को हल्का फुल्का रिफ्रेश कर लें और अपने काम में लग जाएं। बट आजकल हमारे लिए सोशल मीडिया ही काम बन गया है। सुबह उठो 15-20 गुड मॉर्निंग के मैसेज, रात को सोने जाओ 15-20 गुड नाइट के मैसेजेस, और अभी सोशल मीडिया पे तो पहले से ही शुरू हो जाएगा, वैलेंटाइंस डे आएगा, होली आएगी, संक्रांत आएगी, एक दूसरे को विश करना है, मैंने 25 दिन एडवांस में पहले विश किया है, नीट एग्ज़ाम भी आ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, IIT का एग्ज़ाम भी आ रहा है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आपको ये सोचना है कि कैसे मैं अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करूँ, यूटिलाइज़ करूँ, ताकि मैं आगे कर बढ़ सकूँ, बेटर कर सकूँ जो मेरी करंट पोजीशन है उससे, अगर मैं टॉपर नहीं बन सकता तो। सोशल मीडिया हमारे लिए धीरे धीरे करके ना ही सिर्फ एक एडिक्शन बनता जा रहा है, बल्कि इसकी वजह से कई लोग अपनी सारी चीज़ें गंवा भी बैठे हैं। आपको डिसाइड करना है, आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक और जो भी वीडियो वाली साइट्स हैं, कितना यूज़ करना है, कितना दूर रहना है। इट इज़ ऑल अप टू यू, वही शर्मा जी का बेटा या आप। शर्मा जी का बेटा एक्टिव होगा फेसबुक पे भी, वो शायद डेली लॉगिन करता होगा, बट जहाँ पूरा दिन बिता देते हैं वो शायद मुश्किल से 15 मिनट बैठता होगा, और वो भी अपने ब्रेक टाइम में। तो डिसाइड करिए आपको किस साइड होना है। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है प्रैक्टिस। वही अगर हम महाभारत के टाइम की बात करें, द्रोणाचार्य ने जहाँ वो राजकुमारों को पढ़ा रहे थे, एकलव्य को उन्होंने पढ़ाया नहीं था।
एकलव्य को उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन एकलव्य उनको देख देख कर सीखता गया। कैसे? प्रैक्टिस कर करके। प्रैक्टिस कर करके कोई भी आदमी कितना ही चाहे बौड़म बुद्धि हो, वो बेटर हो सकता है। तो आप तो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, ट्वेल्थ पे हैं या फिर ट्वेल्थ कर चुके हैं, सो दिस शुड बी एन इजी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है। और आपको करना क्या है? चैप्टर्स पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उनको रिवाइज करिए, बस दैट इज़ इट। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस वाला जो है आपका पूरा नहीं हो पाता है, अगर आप इसको कंप्लीट सर्कल में अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, दैट डिफरेंस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड शर्मा जी का बेटा। शर्मा जी का बेटा ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, उनको फॉलो नहीं करता होगा। वो अपनी लाइफ में इनके साथ इनकल्केटेड है, वो रहता है, उसका जीवन ऐसा है, उसका रूटीन ऐसा है। आपको सोचना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, बाहर जंक फूड खाते हैं या घर का साफ सुथरा खाना या फिर मेस का सिंपल खाना खाते हैं, मूवीज़ देखनी है आपको या फिर आपको चैप्टर पढ़ना है। इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचने पे इस टाइम मजबूर कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यू वॉन्ट टू बी द टॉपर और यू वॉन्ट टू बी द लूज़र। लूज़र का टैग बुरा नहीं है, लेकिन ट्राई ना करना बुरा है। लूज़ अगर आप करते हैं अपनी पूरी 100% कोशिश देने के बाद तो भी कोई गम नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी 100% कोशिश नहीं दे रहे हैं, आप ट्राई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अपने भाग्य को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं पेपर टफ था, मैं पढ़ा था, मैं बीमार हो गया, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। कोई थर्ड फोर्स या कोई थर्ड फैकल्टी जिम्मेदार नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। सो अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, संभल जाइए और कोशिश करिए कि इस बार कोई यादव जी का बेटा या कोई श्रीवास्तव जी की बेटी टॉप करेगी। Till then, keep studying and be good. Take care.